जीताइस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अभी पिछले माह अप्रैल में उत्तराखंड प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज की कुछ वैकेंसी आई हैं, और ये वैकेंसी जो हैं, वैकेंसी भी अपने आप में इनफ है, यानी 692 प्रमोशनल एक एग्ज़ाम होगा उसके लिए वैकेंसी आई है। तो उसका जो सिलेबस क्या है, उसके लिए जो आप लोग तैयारी करेंगे उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपकी एक अच्छे से अच्छी प्लान हो कि इस एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। इसका एक्चुअली में बैच चलाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जीत आई एस की अपने आप में 100 अबव स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जीत आई एस से प्रिपरेशन जिन लोगों ने की थी। तो बच्चों, ये जो एग्ज़ाम है इसकी ऑनलाइन बैच का क्या शेड्यूल रहेगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए, सिलेबस भी मैंने डाल दिया है, वो पीडीएफ के रूप में आप देख सकते हैं। इसमें एक्चुअली में आपका जो पहला प्रश्न पत्र है, पहला जो प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र पत्र एक्चुअली में इसमें 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है एक मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यानी 120 मार्क्स का ये आपका पेपर है। इसमें भी कई चीज़ दी गई हैं, इसमें जैसे लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज में यदि हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश ये 20 मार्क्स की है। अगर हिंदी, हाँ, इसके साथ साथ यदि हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी तो देखिए स्टूडेंट्स, हिंदी का भी अपने आप में रोल है, 20 मार्क्स का है। और इसमें जो आपका जनरल नॉलेज या सामान्य जानकारी भी कह सकते हैं, इसमें करंट अफेयर भी है, साइंस टेक भी है, उत्तराखंड भी है, जनरल इंफॉर्मेशन है, तो ये 40 मार्क्स का है, 40 मार्क्स। इसमें कंप्यूटर, इसमें जो कंप्यूटर है ये 20 मार्क्स का इसमें कंप्यूटर दिया गया है, और इसमें जो रीजनिंग का सेक्शन है 20 मार्क्स का ये है। तो 120 मार्क्स का आपका फर्स्ट पेपर है। अब देखिए, ये जनरल पेपर है, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया, यानी थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, थोड़ी थोड़ी सी सामान्य जानकारी जो भारत के एक आम नागरिक से करते हैं हम, आप लोग तो शिक्षाविद हैं तो ये होनी चाहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर, ये जो सेकंड पेपर है ये एजुकेशन मैनेजमेंट का है, एजुकेशन मैनेजमेंट। देखिए, कुछ लोग, जब मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन भी आते हैं और आप लोग मिलने भी आते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि पेडालोजी का पेपर है, कुछ लोग कहते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी का पेपर है। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें पेडालोजी का सेक्शन भी है, इसमें सीडीपी का भी है, और इसके अलावा बहुत कुछ है। तो इसे अगर देखा जाए तो इसे एजुकेशन मैनेजमेंट कहना उचित होगा। तो देखिए, ये जो सेकेंड पेपर है, इस एग्ज़ाम को यदि क्वालिफाई करना है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होगा वो सेकंड पेपर का है। फर्स्ट पेपर के बारे में थोड़ा बहुत सभी जानते हैं, यानी 60-70 नंबर तो उसमें लाए जा सकते हैं, ठीक, लेकिन मेन रोल जो है वो सेकंड पेपर का है। तो स्टूडेंट्स, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसमें अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन तो ये 180 है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी 360 मार्क्स का ये पेपर है। तो अपने आप में जो सबसे ज़्यादा रोल है और इस एग्ज़ाम के लिए जो जिम्मेदार सेक्शन है वो सेकंड है, सेकंड पेपर। देखिए, इसके साथ साथ इसमें इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू 60 मार्क्स का। तो हम यहाँ देखते हैं इंटरव्यू, चूँकि प्रिंसिपल की पोस्ट है, एक बहुत जिम्मेदारी की पोस्ट है, तो इसके लिए व्यक्तित्व का मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मैं देखता हूँ, अगर हम उत्तराखंड अपर पीसीएस की बात करते हैं तो वहाँ भी अधिकांश सिलेक्शन लेने वाले शिक्षाविद होते हैं, क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहता है, और इस एग्ज़ाम में के लिए तो शायद कुछ कंडीशन भी हैं कि उसे 10 साल या 15 साल कुछ ऐसा ही है उसका अनुभव होना चाहिए, तो इंटरव्यू बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, ये पूरा का पूरा जो पेपर है आपका, ये 540 मार्क्स का पेपर है ये। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जीत आईएएस का जो शेड्यूल रहेगा, इसमें आपकी जो क्लास चलेगी, ये सेकंड पेपर, ये बेसिकली सेकंड पेपर की क्लास चलेगी, पेपर
सेकंड पेपर की जो क्लास चलेगी, इस क्लास का जो टाइम होगा, टाइम टाइम ये 6 to 7 PM होगा, 6 to 7 PM, 6 to 7 PM होगा। अब इस सिलेबस को मैंने भी रीड किया है, आप लोगों ने भी रीड किया है, तो इसमें दिया है टाइप ऑफ लीडरशिप यानी नेतृत्व के प्रकार। बस सिलेबस में तो इतना ही लिखा है नेतृत्व के प्रकार, लेकिन नेतृत्व के प्रकार अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है। तो नेतृत्व के प्रकार में आपको, इसमें बहुत से थिंकर हैं, उन थिंकर को रीड करना होगा। तो यहाँ पर ये क्लास का टाइम मैंने दे दिया है, और यहाँ पर आपकी क्लास जो स्टार्ट होगी, क्लास ये होगी 10 मई से, 10 मई, 10 मई से आपकी क्लास शुरू होगी। क्लास जो आपकी होगी ये लाइव होगी, लाइव लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग के साथ साथ क्लास की PDF भी होंगी, PDF, और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज होगी। यानी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, चलो अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा या मुझे पढ़ाने का सौभाग्य मिला, तो आपके भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट बनेंगे। तो बच्चों, अगर हम लाइव नहीं अटेंड कर पाते तो आप रिकॉर्डिंग फॉर्म में आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, अनलिमिटेड बार आप उसे देख सकते हैं। एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है, तो हिम्मत रखिए और इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो सेकंड पेपर की क्लास होगी, फर्स्ट पेपर जो है जिसका रोल बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि सिलेक्शन के लिए तो एक एक क्वेश्चन भी जिम्मेदार होता है, एक एक मार्क्स भी होता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर के लिए बताना चाहूँगा, फर्स्ट पेपर में आपकी टेस्ट सीरीज होगी, आपकी टेस्ट सीरीज, और फर्स्ट पेपर की जो टेस्ट सीरीज होगी आपको 5 पेपर वो GTIS की ओर से मिलेंगे, वो ऑनलाइन मिलेंगे। अगर आपने 5 पेपर कंप्लीट कर लिए, अच्छे से रट लिया, तो मैं समझता हूँ कि फर्स्ट पेपर में आप 80 above मार्क्स ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है ये पूरा का पूरा जो शेड्यूल रहेगा। तो क्लास आपकी 10 मई से शुरू होगी, क्लास टाइम जो होगा, क्लास टाइम मैंने पहले दे भी दिया है यहाँ पर आपको, क्लास टाइम ये होगा 6 to 7 PM। तो हिम्मत कीजिए, मेहनत से पढ़िए, कॉन्फिडेंस रखिए, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सिलेक्शन लेके आएंगे, और आपकी जो सफलता है GTIS की, आपकी टीम की अपनी सफलता है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।